खबर रीवा से है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने नगर निगम आयुक्त के कार्यालय के सामने नारेबाजी करते हुए ज्ञापन पत्र दिया और साथ ही कांग्रेस सरकार को वायदा भी याद दिलाया गया। दरअसल पूरे रीवा नगर में पानी की समस्या व्याप्त है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान किया जाए और जहाँ तत्कालिक समस्या का समाधान नहीं हो सकता वहाँ वैकल्पिक टैंकर की व्यवस्था की जाए। वहीं महापौर को वायदा याद दिलाते हुए कहा कि चुनाव के समय घोषणा की गई थी कि जलकर में 50% की छूट, संपत्ति कर में 25% की छूट व खुली जमीनों को टैक्स फ्री किए जाने का वादा किया गया था, लेकिन एक साल बाद भी कुछ कार्य नहीं किया गया। पूरा शहर इस समय पानी से चिलकारी मार रहा है। जिस तरह से यहाँ के महापौर जी, नगर निगम के और कमिश्नर मैडम ने घोषणा की थी हर घर में नल का कनेक्शन देंगे और साथ में पानी देंगे, नल का कनेक्शन तो दे नहीं पाए और जो पाइपलाइन बिछी थी वो भी आज पाइपलाइन टूटी हुई है। आज गरीब पानी के लिए तरस रहा है। इस देश को 75 साल आजाद हुए होंगे, पर इसके बावजूद भी जो भी सरकारें इस देश के अंदर रही पता नहीं क्या किया कि आज तक लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंचा पाया। कांग्रेस ने नगर निगम चुनाव के पहले वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार शहर के अंदर महापौर बनते ही जलकर में 50% टैक्स में छूट दी जाएगी, संपत्ति कर में 25% छूट दिया जाएगा और खुली जमीनों को टैक्स मुक्त किया जाएगा और गरीबों को 100% जलकर और संपत्ति कर में टैक्स में छूट मिलने का कांग्रेस ने वादा किया था। आज एक साल कांग्रेस को हो गए, उसके बावजूद भी आज हम वो वादा भी कांग्रेस और कांग्रेस को याद दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी आई है। जिस तरह से कांग्रेस विधानसभा चुनाव के पहले 500 रुपए का सिलेंडर और 500 रुपए 1500 रुपए नारी सम्मान योजना, ये इनके वादे चुनाव के पहले ही आते हैं और जनता इस चीज को जान चुकी है। इनके वादे पूरी तरह से मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि ये पक्ष विपक्ष दोनों मिले हुए हैं, ये चाहते ही नहीं कि जनता को लाभ मिल सके। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ कांग्रेस है और आपने जनता से वादा किया था, आपने ये वादा नहीं किया था कि मैं MIC में ले आऊंगा, आपने कहा था कि मैं 25% और खुली जमीनों को टैक्स मुक्त करने का, जनता को राहत देने का काम करूंगा। जब आपको पता था कि यदि आपके पार्षद उस संख्या में निगम के अंदर नहीं बैठ सकते तो झूठे वादे आपने क्यों किए थे, सिर्फ महापौर बनने के लिए? देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।